नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सभी को देखने को मिला दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन के बीच में बहुत ही धमाकेदार मैच हुआ। जी हाँ, ये मैच दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। पूरे मैच का मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे क्या कहानी रही, और इसके अलावा जो सबसे खास बात रही इस मैच की वो ये रही कि जिस टाइम पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे उसी टाइम पर एक लड़की ने ऋषभ पंत की तरफ इशारा किया था, और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट तो थी ही, इसके अलावा ऋषभ पंत भी इसकी क्यूट अदाओं पर पूरी तरह से फिदा हो गए। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे बीच मैदान में ही लड़की को दिल दे बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों इन दिनों ऋषभ पंत की जो फॉर्म है वो बेहद ही शानदार है, और उसी को देखते हुए इस साल ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल का कप्तान भी बनाया गया है, और ऋषभ पंत भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में तो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की ही, लेकिन श्रेयस अय्यर के आने के बाद तो इनकी परफॉर्मेंस और भी प्रचंड चढ़ चुकी है। अब ऐसे में ऋषभ पंत आज जब खेल रहे थे उसी टाइम पर एक बेहद ही क्यूट सी लड़की ग्राउंड में देखने को मिली थी, और दोस्तों स्टैंड में बैठी इस लड़की ने ऋषभ पंत की तरफ ऐसा लग रहा था कुछ इशारे भी किए, जिसे देखने के बाद ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और जैसे ही इस लड़की ने इशारा किया उसके बाद ऋषभ पंत ने छक्का भी मार दिया। ये देखने के बाद तो पूरी तरह से दर्शक भी खुश थे, और ऋषभ पंत ने भी उस लड़की की तरफ फिर देख कर स्माइल भी किया। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत इस लड़की को दिल दे बैठे हैं और ऋषभ पंत इस लड़की के प्यार में पागल हो चुके हैं। दोस्तों जिस तरह से ऋषभ पंत लगातार आईपीएल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो रियल में काबिले तारीफ है, लेकिन ग्राउंड में कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि यकीनन कई बार खिलाड़ियों को हैरान कर देती है, और उसी में से थी एक ये बड़ी घटना जिसने ऋषभ पंत का भी दिल जीत लिया, और ये लड़की ऋषभ पंत की करीबी दोस्त भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत इस लड़की के साथ लंबे टाइम से रिश्ते में भी हैं, और ऋषभ पंत ने इस लड़की को खुद ही बुलाया होगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने आज के मैच में 26 रनों की धमाकेदार पारी खेली, और उनकी टीम बेहद ही आसानी से आज इस मैच को जीत गई, क्योंकि इस मैच में श्रेयस अय्यर ने भी तूफानी पारी खेली थी। जी हां, आपको बता दें आज श्रेयस अय्यर अंत तक टिके रहे, 33 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली, और अंत में रविचंद्रन अश्विन ने छक्का मार करके फिर दिल्ली कैपिटल को जीत दिलाया। मुंबई इंडियन आज इस मैच में ज्यादा कुछ खास कर ना सकी थी, सिर्फ 130 रनों का ही टारगेट दे पाई, जिसको दिल्ली कैपिटल ने बड़ी ही आसानी से चेस कर लिया। हालांकि दिल्ली कैपिटल को बीच में लगातार विकेट गिरने की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन इसके बाद अंत में श्रेयस अय्यर ने जो धमाकेदार पारी खेली उसी की वजह से बहुत आसानी से दिल्ली कैपिटल इस मैच को जीतने में सक्षम हो पाई। अब दोस्तों जिस तरह से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप है, ठीक वैसे ही ऋषभ पंत और ये जो क्यूट सी लड़की भी सामने आई है इसकी भी ऋषभ पंत से पार्टनरशिप होने वाली है। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत इस लड़की को अपना दिल दे बैठेंगे? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।